इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले का दावा किया है। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए हमले किए हैं। ईरान ने दावा किया है कि हमले में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पाकिस्तान ने स्वीकार नहीं किया। ये हमले पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के खिलाफ करने का दावा किया गया है। दरअसल जैश अल अदल बलूचिस्तान का आतंकी संगठन है, जिस पर अब ईरान ने हमला किया है। संदीप बोल न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, पाकिस्तान कह रहा है कि यह हमारी संप्रभुता से हमला है, इसका जवाब ईरान को दिया जाएगा। बिल्कुल, ये तो साफ कर दिया है पाकिस्तान ने, और कोई भी देश नहीं चाहेगा कि किसी भी दूसरे तरफ से उनके यहाँ पे किसी ऐसे एयर स्पेस का वायलेशन किया जाए। जो बताया जा रहा था, पहले बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था उन आतंकी संगठनों के ठिकानों पर, दो अलग अलग जगह पर। लेकिन जब बाद में अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें, पाकिस्तान का ये दावा है कि तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर ये स्ट्राइक हुई है और उसमें दो बच्चों की जाने गई है, तीन लोग घायल हुए हैं। तो अभी फिलहाल जिस तरीके की हालात है, टेंशन बनी हुई है, उससे अब यह जो हालात है वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि बलूचिस्तान में जिस तरीके से पाकिस्तान खिलाफ बलूचियों ने मोर्चा खोल रखा है, ऐसे में अब अगर ईरान अगर अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान को एक और मौका मिल जाएगा के पर अपने आप को मजबूती से एस्टेब्लिश करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, उससे तो साफ है कि टेंशन बढ़ सकती है। बिल्कुल, टेंशन बढ़ सकती है। संदीप बोल, ये अहम जानकारी आपको देते हुए, और बड़ी खबर यही इस बीच। और देखिए, ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान अब बौखला गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही हमले को पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। ईरान के हमले से बौखलाया हुआ पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये बड़ी खबर। इसके साथ ही वो ईरान को अब चेताता हुआ नजर आ रहा है कि उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अपनी संप्रभुता के ऊपर। यह हमला बता रहा है, उल्लंघन बता रहा है पाकिस्तान ईरान की तरफ से, ये जो पूरा हमला किया गया है। उसके बाद विदेश मंत्रालय पाकिस्तान का उसकी तरफ से अब बयान जारी किया गया है, उल्लंघन किसी भी तरह से हम बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। तो बौखलाया पाकिस्तान अब ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान के आतंकवादी जो अड्डे हैं उनके ऊपर हमला ईरान की तरफ से किया गया है, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारी संप्रभुता का उल्लंघन बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, और ये जो हमला ईरान की तरफ से किया गया है उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो अब इन दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ना जाहिर सी बात है, लाजमी है, जैसा न्यूज 18 इंडिया के संदीप बोल भी आपको बता रहे थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया, और उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि ईरान का ये जो कदम है वो स्वीकार्य नहीं है।